हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स, जहां पर हम स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में नई नई इंटरेस्टिंग बातें लेके आएंगे एंड आपको हम नए नए तरीके बताएंगे हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स एंड आपको हम इन्वेस्टिंग के भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ये हमारी एक नई शुरुआत है यूट्यूब चैनल की दुनिया में। हमने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है एंड वी वॉन्ट दैट एक्सपीरियंस टू बी शेयर्ड एंड इसी के लिए मैंने अभिषेक ठाकुर, आई एम एन इंजीनियर प्रोफेशन, और मेरे साथी दैट इज़ CA राघव शर्मा, हम दोनों ने प्लान किया है कि हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग खट्टी मीठी बातें अबाउट द स्टॉक्स, कहाँ कौन सी स्ट्रेटजी आपको फ़ायदा देती है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको नुकसान दे सकती है, कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, कहाँ नहीं डूबवाने हैं खास करके, तो इन सब के बारे में हम छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पर आप जानेंगे कि हमारा चैनल जो है व्हाट इट इज़ प्लानिंग टू डू एंड हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, हम दोनों साथ में जो है प्रेजेंटेशन देंगे आपको अबाउट अवर न्यू चैनल। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल एंड आई होप आपको इस चैनल का कंटेंट काफी पसंद आएगा। मेरे साथ है CA राघव शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज CA राघव शर्मा, आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स चैनल एंड हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर दिस चैनल और कैसे जो है आप इससे फायदा उठा सकते हैं एंड आई होप ये काफी सक्सेसफुल रहेगा हमारी जर्नी में एक साथ। एक नई फैमिली हम बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। हमने जो प्लान किया है यहाँ पर, विल डू अ क्विक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जहाँ पर आप जानेंगे चैनल के बारे में, द जर्नी एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज हमारी जर्नी ट्रेडिंग में कैसे स्टार्ट हुई। ये जर्नी वैसे ही थी जैसे सब लोगों की होती है, विद हिकअप्स। मैंने 2009 में जब मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से, तो फ्री टाइम में मैंने थोड़ा ट्रेडिंग करना शुरू किया एंड विद इन सम टाइम 7-8 दिन में मैंने 20,000 से 10,000 रुपये कमा लिया और मुझे लगा कि शायद मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। और मुझे पता ही नहीं होता था करना क्या है। जो लॉस में होता था वो मैं होल्ड कर लेता था और जो प्रॉफिट में होता था वो मैं निकाल देता था, जैसे बेसिक स्टार्टअप होता है। और एट द एंड ऑफ द मंथ आई वॉज इन लॉस ऑफ 30,000 रुपीज, मतलब कम्प्लीटली मैंने कैपिटल भी ब्लॉक कर लिया था और ऐड करके भी मैंने पैसे गवा दिए थे और मैंने कम्प्लीटली जो है ट्रेडिंग करना छोड़ दिया था। देन 2013 में जब मैं राघव से मिला, ही बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन और इसको इंटरेस्ट भी था, तो हमने काफ़ी डिटेल में बात करी कैसे हम शुरू करना चाहेंगे, कैसे करेंगे ट्रेडिंग। हमने नॉलेज गेन करी, हमने जाना पैटर्न्स को स्टडी किया, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा लगा हमें, हमने मूव समझे प्राइस एक्शन के। बट दिक्कत क्या रही, दिक्कत रही कि पैटर्न तो दिखते थे, समझ आते थे, बट हमेशा बनने के बाद कभी हमें लाइव पैटर्न जो है कभी दिखा ही नहीं। एंड आप अच्छे से समझ सकते होंगे, जब भी आप बने बनाए चार्ट में देखते हैं तो आपको पैटर्न अच्छे से समझ आता होगा, बड़ा अच्छा प्यारा पैटर्न बना है, डबल टॉप बना है, फ्लैग पैटर्न बना है या फिर आपका असेंडिंग ट्रायंगल बना है। बट इन रियलिटी कौन कौन है जो एक्चुअल लाइव मार्केट में उसको पढ़ पाता है, तो वो चीज़ हमारे साथ दिक्कत थी। तो हमने उस टाइम पे राघव को एमी ब्रोकर के बारे में पता था एंड थैंक्स टू हिम उसने मुझे बताया कि एक बार आप एमी ब्रोकर पे काम करके देखो अगर आपको कोडिंग कर सकते हो उस पर। सो आई स्टार्टेड लर्निंग एमी ब्रोकर और उस जर्नी के बाद हमारा जो है टर्निंग पॉइंट आया। एमी ब्रोकर मेरा धीरे धीरे फेवरेट सॉफ्टवेयर बन गया, मैंने काफ़ी टाइम लगाया उस पर और उसने हमारा पाथ चेंज किया और मैंने जाना कि बिना कंप्यूटर्स के ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल ह्यूमन के लिए। अगर आपको एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल होना है और आपको थोड़ा सा माइंड पे लोड कम रखना है, इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी है, तो कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, राइट? आते हैं अब हम दूसरे सवाल पे, व्हाई अनदर यूट्यूब चैनल, एक दूसरे यूट्यूब चैनल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मोस्टली जो यूट्यूब चैनल है या ऑनलाइन लर्निंग है वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के बारे में बताया जाता है,
कि लाइक डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बट कहीं भी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल. तो हमारे ऐसे चैनल में क्या खासियत है जो हमें दूसरों से अलग करता है? हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी पैटर्न के स्क्रीनर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में उनकी बैक टेस्ट रिपोर्ट भी अवेलेबल करवाएंगे. तो जिससे हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो पैटर्न्स हैं ये एक्चुअल में कितना हमें प्रॉफिट दे सकते हैं या इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है. और प्रॉपर हम बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन शेयर्स कौन कौन से सिक्योरिटीज में जो पैटर्न्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं और कौन से पैटर्न्स नहीं वर्क करते हैं. सबसे बढ़िया बात ये है कि जैसे सपोज कीजिए निफ्टी 50 ही लीजिए, उसमें 50 शेयर्स हैं आप सबको पता है, लेकिन क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उन्हीं 50 शेयर्स में एट ए टाइम देख सकें कहाँ पे क्या पैटर्न बन पा रहा है? नहीं. तो इसीलिए हमने विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ कोडिंग हमने फ्री स्क्रीनर्स डेवलप किए हैं जिससे हम लाइव मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि इस टाइम HDFC पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है या फ्लैग बुल फ्लैग पैटर्न्स बन रहे हैं. तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आप सबको फ्री ऑफ द कॉस्ट में प्रोवाइड करना और आपको इन डेप्थ लर्निंग देनी इन सभी पैटर्न्स की और साथ ही साथ बैक टेस्ट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल करवानी ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि कौन सा पैटर्न कितना प्रॉफिटेबल है. तो आपको कैसे फायदा हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है. देखिए वैसे तो इसका पार्शियली आंसर राघव जी ने दे ही दिया है. हम बेसिकली प्लान कैसे कर रहे हैं, हम थोड़ा डिफरेंट प्लान कर रहे हैं. हम जो फायदा हमारे जो है इन्वेस्टर्स को या फिर इंस्टीट्यूट्स को होता है, दैट इज दे हैव विद देम द स्क्रीनर्स, दे हैव विद देम द एल्गोस. एंड आपको जान के हैरानी होगी कि मतलब मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है वो एल्गोस पे ही होती है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होती है. नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज्यादा होता नहीं है. पैरेलली हम कंप्यूटर के साथ जो है कम्पीट कर रहे होते हैं. तो इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड. तो हम चाहते हैं कि सबके लिए जो है फैसिलिटीज बराबर रहें. तो दैट्स वाई हम ला रहे हैं आपके लिए स्क्रीनर्स. स्क्रीनर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर स्टॉक स्कैनर्स. वो स्टॉक्स को स्कैन करते हैं फॉर द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर जो है बाय सेल सिग्नल कि कहाँ पर हमारी कंडीशंस मीट कर रही हैं. तो हमने कभी प्लान नहीं किया कि हम जो है इसके लिए कॉस्ट ऐड करेंगे, है ना. हम चाहते हैं टू गिव बैक टू द सोसाइटी. हमने ट्रेडिंग में ही लोगों से सीखा है. ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप ही सीख गया सब कुछ. हमने सीखा है and now we want it to give it back. चलिए अब हम कैसे प्लान कर रहे हैं फेस वन को. हम बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे फेस वन में. फेस वन में हमारी कवरेज होगी मेनली स्क्रीनर्स एंड इंडिकेटर्स की. स्क्रीनर एंड इंडिकेटर्स में हम मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीनर्स होते हैं या इंडिकेटर्स हैं हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट, मोस्टली ऑन द ट्रेडिंग व्यू. और अगर कुछ लोग एमई ब्रोकर यूज करते हैं तो उसमें भी आपको विद टाइम हम ये प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर. ऑप्शन सबका चाहिदा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर कोई ट्रेड करना चाहता है ड्यू टू वॉलेटिलिटी और ड्यू टू हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो हम ए से लेके जेड तक सीखेंगे अबाउट ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन कैसे अपनी वैल्यू ड्राइव करती है, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ग्रीक्स, एवरीथिंग वी विल लर्न ऑप्शंस. उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स किनकी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं लाइक ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुल फ्लैग पैटर्न, बियर फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. हर टाइप के हम आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर या स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर जो भी हम अपना बाइंग सेटअप या सेलिंग सेटअप बना सकते हैं उन सब की हम आपको एक बैक टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. के एंड में हम प्रोवाइड करेंगे आपको द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज जिनको हमने बैक टेस्ट किया है विद एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्टिंग. तो ये पोजिशनल भी होंगी और इंट्राडे बेसिस पे भी होंगी डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट कितना है. आप पोजिशनल भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं और ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट विदाउट एनी सिंगल पैनी. So, आपका जर्नी इन फेज वन काफी अच्छा रहेगा.
एंड आई होप आपको काफी पसंद आए एंड मैं आशा करता हूँ कि आपका चहीता चैनल बन जाए। देखिए हमने ट्रेडिंग काफी करी है, हमने कोडिंग भी करी है, हमने एल्गोस भी बनाए हैं, वो हमारा डोमेन था। हम दोनों जो ऐसी फील्ड से हैं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और राघव फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बेसिकली वो हमारा जो है इजी पार्ट था। नाउ दिस इज द न्यू बिगनिंग फॉर अस। हम थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं इन वीडियो मेकिंग एंड एवरीथिंग, सो धीरे धीरे हम भी आपके साथ जो है एक्सपर्ट होते जाएंगे। हम पैरेलली आपका जो है आपके लिए अच्छा वीडियो कंटेंट लाएंगे एंड आप पैरेलली उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। सो व्हाट अबाउट फेज टू? फेज टू क्या है एंड फेज टू कब स्टार्ट होगा? देखो फेज टू आई बिलीव जो है लोगों के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक किसी भी चैनल पे आपको फेज टू का कंटेंट अवेलेबल होगा एंड आई ट्रूली बिलीव आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने के बाद आप सोचोगे कि जल्दी से फेज टू स्टार्ट हो, राइट? सो फेज टू में क्या है, व्हाट इज इन फेज टू? निफ्टी प्रेडिक्शन मैंने देखा है काफी सारे चैनल्स प्रेडिक्ट करते हैं निफ्टी को, बट दे ओनली डू टेक्निकल एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि गलत होता है, काफी चैनल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बट दे डू ओनली टेक्निकल एनालिसिस और दे डू ऑप्शन चेन। कोई भी साथ में मिलके नहीं कर रहा है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस भी किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस भी किया जाए एंड मोर ओवर ऑर्डर फ्लो चार्ट्स। ऑर्डर फ्लो पहली बात तो काफी लोगों को पता ही नहीं होगा, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर फ्लो। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि पहले वीडियो में आपको ऑर्डर फ्लो के एक बार दिखा भी दूं। इट इज बेसिकली अबाउट ऑल द ऑर्डर्स जो आपके मार्केट में पंच होते हैं। सो इन तीनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर प्रेडिक्टिंग द मार्केट एंड लकीली मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि 70% ऑफ टाइम, 60-70% टाइम हम एक्यूरेटली थोड़ा सा बता पाते हैं कि कहाँ मार्केट कैसे मूव करेगा, कहाँ रिवर्सल आएगा। सो दीज थ्री थिंग्स विल हेल्प अस अलॉट और ये फेज टू में हम लेके आएंगे डेली बेसिस पे। देन स्क्रीनर्स तो हम फेज वन में प्रोवाइड करेंगे, हम फेज टू में आपको पॉपुलर स्ट्रेटजीज विद बैक टेस्टिंग दिखाएंगे कि पिछले 10 साल के डाटा में या पिछले 5 साल के डाटा में उसने कितना परफॉर्मेंस दिया है एंड हम जो है उन पर ट्रेडिंग व्यू पे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, हम जो है बाय सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उनका प्रॉपरली यूज कर सकें एंड दैट मीन्स स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकें। मतलब वो नहीं है ना, एक होता है कि बाय लिया और भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, हे भगवान ऊपर करते ऊपर करते ऊपर करते, मतलब लॉजिकल ट्रेडिंग होगी, कोई तुक्का नहीं होगा कि मतलब इमोशन डाल दिए सारे ना, बीपी बढ़ा दिया अपना, उस तरह का काम नहीं होगा। प्रॉपरली जो आपको पता होगा कि भैया स्ट्रेटजी ने इतना रिटर्न दिया पिछले 10 साल में, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत लॉस आता भी है तो गेन भी आएगा। देन विल लर्न अबाउट एमी रूकर, मैं पहले बता चुका हूँ मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा सॉफ्टवेयर रही है, मैंने बहुत यूज किया इससे एंड आई वॉन्ट कि मैं बाकी को भी सिखा सकूँ। सो विल लर्न एमी ब्रोकर एंड साथ ही साथ जो है मैं आपको जो बाय सेल सिग्नल्स जो मैं ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करूंगा दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इन एमी ब्रोकर, एमी ब्रोकर में भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे आप सीखोगे इसको। एंड ऑब्वियसली विल कंटिन्यू विद फेज वन, जो हम फेज वन में करते आए हैं वो हम करते ही रहेंगे, education on all the screeners and indicators and the back testing, right? And what about phase two? ये start कब होगा? हमने देखो targets बनाना सबको अच्छा लगता है, target हो हमारे पास तो काम smoothly होता है, तो हमने एक अपने लिए target बना रखा है कि जैसे ही 1 lakh subscribers हमारे हो जाएंगे तो हम phase two start कर देंगे and we'll try कि इस target से हम भटके नहीं, जल्दी से जल्दी जो है हम चाहेंगे और आप भी चाहिएगा कि जल्दी से जल्दी पॉपुलर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि पहला वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे भी, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन को नहीं जाना जाता, सब जो है डायरेक्टली स्ट्रैटेजी को पहुंचना चाहते हैं। सो वी विल बी डूइंग अ बिग लॉन्च विद अवर वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप जब आप स्ट्रैटेजी को देखेंगे आप जो है फटाफट जो है सब्सक्राइब करेंगे एंड वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो का, राइट? सो इसी के साथ हम जो है आपका धन्यवाद करते हैं। आई होप आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ हो हमारे चैनल के बारे में। अगर आप अभी तक हम
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम भी, तो आप थोड़े सीरियस हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप जो है हमारे साथ रहेंगे तो विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम सब जो है फैमिली बनकर इकट्ठे कमाए. राइट राइट एवरीवन, थैंक यू राघव सर फॉर ज्वाइनिंग मी. आप अपने बिजी शेड्यूल से रात को 12 बजे बैठे हुए हैं साथ में. राइट, थैंक यू अभिषेक जी मुझे भी एक चांस देने के लिए कि मैं भी अपने थॉट्स रख सकूं इस चैनल को लेके. तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स.